जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत पारिवारिक न्यायालय में कई सालों से अपने नाना के घर पर रह रही बच्ची को आपसी सुलह समझौते के आधार पर पिता को सुपुर्द किया गया, जिसके संबंध में बच्ची ने बताया कि कई सालों से अपने नाना के घर रह रही थी, अब पापा के घर जा रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बीच बीच में नाना से पापा के साथ जाकर मिलूंगी। वही इस संबंध में पिता ने बताया कि बच्ची 2019 से अपने नाना के घर रह रही थी और उसकी माँ अब नहीं है, जिससे मैं पिता होने के नाते बच्ची के लिए मुकदमा किया था, जिससे आज हमको बच्ची मिल रही है और मैं अपनी बच्ची को पाकर बहुत खुश हूँ। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बच्ची के पिता पारिवारिक न्यायालय के मुख्य परामर्शदाता संगीता प्रकाश त्रिपाठी ने कहा, नाना के घर में अपने पापा घर दिया, कितना खुशी हो रहा? पापा घर जाऊं। कैसा लग रहा? अच्छा। नाना से मिलने आओगी नहीं फिर? आऊंगी। हाँ? कितने दिनों से लगभग थी नाना के घर? बहुत दिन। अच्छा लग रहा है जाके पापा के पास? क्या नाम है आपका? सुभी। राजेश यादव। हमको बहुत खुशी हुआ, हमारा बच्ची मिल गई हमको, इसीलिए हम बहुत खुश हैं। कितने सालों से? 3 साल से। 3 साल से नहीं थी बच्ची हमारे पास, नहीं थी। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कर रहा था इतने साल से? ऐसे कुछ आपस में विवादी मामला था, इसके लिए वो बच्ची वहाँ पे रह रही थी। संगीता प्रकाश त्रिपाठी, मुख्य परामर्शदाता पारिवारिक न्यायालय। ये 2019 से केस चल रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा विवादित मामला ये हो गया था कि बच्ची की चूँकि मदर नहीं है और बच्ची नाना के पास शुरू से रह रही है, तो इसके पिता ने जो गार्जियनशिप का मुकदमा किया उसके अकॉर्डिंग फिर इस मामले में सुलह समझौते का प्रयास किया गया और उसी दरमियान बच्ची की सहमति लेकर के उसके पिता को सुपुर्द किया गया। बच्ची 20 दिनों से अपने पिता के साथ है और सकुशल है, खुशहाल है। उसी को देखते हुए आज हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इस मामले को समाप्त किया जाए, लेकिन ड्यूटी वहीं पे ख़त्म नहीं होती है। आगे भी बच्ची को दूरभाष के माध्यम से या कभी कभी फॉलो अप के लिए हम लोग बुलाते रहेंगे और पूरी तरह से ये प्रयास करेंगे कि बच्ची अपने उस नए वातावरण में संतुष्ट हो और उसका भविष्य उज्ज्वल हो। ये दोनों परिवार खजनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।